मोहम्मद मोईन, आप कहां पर मौजूद हैं और कैसी तैयारियां इस शिलान्यास को लेकर, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, चुनाव का माहौल है, चुनाव से पहले इस तरीके की सौगात दी जाना, पश्चिमी यूपी को भी ध्यान में रखा गया है, पूर्वांचल को भी, अवध को भी, सभी को साथ लेकर चलने की जो कोशिश है वो यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, कैसी तैयारी अभी वहाँ पर देख पा रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज की सोराओं तहसील के जूडापुर तांदू गांव में। ये वो जगह है जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे का समापन होना है। तो जो दिल्ली हावड़ा नेशनल हाईवे नंबर 19 है उसके उससे लिंक हो करके ये एक्सप्रेसवे यहां पर खत्म होगा और उसी जूडापुर दांदू गांव में हम मौजूद हैं। हमारे ठीक सामने ये देख रहे हैं कि एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर के ऊपर पताकाएं लहरा रही हैं और इसी जगह आकर के ये एक्सप्रेसवे खत्म होगा और इस जो ये हाईवे है दिल्ली हावड़ा नेशनल हाईवे इससे लिंक्ड हो जाएगा। तो लोग आगे जा सकते हैं, इस तरफ दिल्ली तक जा सकते हैं और इस तरफ कोलकाता तक जा सकते हैं। आपको बताते हैं कि 14 साल पहले भले ही इस एक्सप्रेसवे का सपना देखा गया हो लेकिन इसलिए अमली जामा पहनाया गया था साल 2019 में प्रयागराज में लगे कुंभ मेले में। कुंभ मेले में योगी सरकार ने अपनी कैबिनेट की विशेष बैठक की थी, उसी बैठक में इस एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिल दी गई थी, सैद्धांतिक तौर पर नए स्वरूप में मंजूरी दी गई थी और प्रयागराज में इसी जगह पर आकर इस एक्सप्रेसवे का समापन होगा। तकरीबन 20 गांव इसकी जद में आ रहे हैं, 4000 के करीब किसानों की जमीनें ली गई हैं, जमीन अधिग्रहण का काम तकरीबन पूरा हो गया है। तो जो इलाके के लोग हैं उनमें काफी खुशी की लहर है, लोग काफी खुश हैं, उत्साहित हैं, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को बार बार धन्यवाद दे रहे हैं। उनका ये मानना है कि यहाँ एक्सप्रेसवे बनने से विकास को नई गति मिलेगी। तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता आलोक पांडे हैं, सहयोगी दल अपना दल एसके नेता किशन सरोज जी हैं। तो हम इन लोगों से बात कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। पता ही, इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं ये तो हमारा प्रोजेक्ट है लेकिन शिलान्यास आज हो रहा है, क्या कहना? विपक्षी पार्टियां खासकर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ये मुंगेरी लाल के हंसी सपने देखते हैं और धरातल पे कोई काम कर रहा है तो योगी गवर्नमेंट और हमारे मोदी देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने धरातल पे काम किया है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे बनने से क्षेत्र का विकास होगा, किसान भी खुश हैं। आप बताइए क्या उम्मीदें हैं इलाके के लोगों को, किस तरह से देखते हैं कि किस तरीके से विकास को रफ्तार मिलेगी? जैसा कि जो है एक्सप्रेस वे का जो है आज जो है उद्घाटन है और जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे जो है इसका समापन होगा, यहीं उतरेगा। ये एक्सप्रेस वे से चौमुखी विकास पूरे देश और प्रदेश का होगा और मैं सहयोगी पार्टी के नाते केंद्र में और उत्तर प्रदेश में दोनों में और मैं अनुप्रिया पटेल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल एस की बधाई देना चाहता हूँ, मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ, योगी जी को बधाई देना चाहता हूँ, पूरा गांव का महकमा एकदम खुशनुमा। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे मोहम्मद मोहिन आपके पास।